Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we are going to discuss Glimpses of India. You know guys, this chapter has three parts. First is a baker from Goa, second is Coorg and the third is tea from Assam. And here in this video we will discuss second part of this chapter, Coorg. And you know, Coorg is called a coffee country. And it's a smallest district of Karnataka and this place is famous for its rainforests and spices. The coffee plant you can see here, this is the coffee plant. Okay, so let's move ahead. First of all, author Lokesh Abhoral is a renowned doctor by profession. He established the first multi-speciality hospital in the sector of Gurgaon. He established the first stray cow shelter in Gurgaon. इन्होंने first time stray यानी कि आवारा घूमने वाली जो गायें थी उनके लिए shelter गुड़गांव में बनवाया. He is a popular internal medicine specialist in civil lines. Now, the introduction of the chapter. The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. तो ये chapter हमको किसके बारे में बताता है? Karnataka के एक छोटे से district, Coorg के बारे में and वहाँ के people के बारे में. The place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. So, इस जगह पे वेदर बहुत अच्छा रहता है पूरे साल भर एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेन भी होती है. कब? मॉनसून सीजन में. द पीपल ऑफ Coorg आर नॉन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कॉफी ब्रेवेस्ट. वहाँ के पीपल को बहुत ज़्यादा बहादुर माना जाता है, Coorg के पीपल को. कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? कॉफ़ी मेन क्रॉप है. कॉफी. अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर व्हाइल द प्लेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स आइलैंड्स एंड टिबेटन सेटलमेंट्स. तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी हम देख सकते हैं. प्लेस जो है बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से, जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आइलैंड्स हैं एंड तिब्बतियन पीपल के यहाँ पे, तिब्बतियन पीपल भी यहाँ पे रहते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी. The writer describes the hill station of Coorg located in the Western Ghats in the state of Karnataka. तो जो writer हैं वो हमको बताते हैं इस प्यारे से hill station के बारे में जिसका नाम है Coorg, जो कि Western Ghats पे situated है. कहाँ पर? Karnataka में. It is located midway between Bangalore and Mangalore. तो ये कहाँ पे situated है? Bangalore and Mangalore के बीच में. The suitable time to visit Coorg is from September to March. और यहाँ पे घूमने का best time है September से लेकर के March तक का. The place is famous for coffee plantation and spices. यहाँ पे coffee के बहुत सारे आपको coffee के बहुत देखने को मिलेगी. इसको आपकी chapter में जो ये सेकेंड पार्ट है इसमें फर्स्ट लाइन ही ये लिखी हुई है, Coorg इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. सो देर आर एबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया. तो यहाँ पे 30% एरिया पे रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं. The Coorgi men are brave warriors who are permitted to keep firearms without a license due to their trustworthiness. तो Coorgi people, इनको मैंने आपको बताया था, इनको बहुत ज़्यादा bravest माना जाता है. ये बहुत ज़्यादा brave warriors होते हैं, बहुत ज़्यादा brave योद्धा. Who are permitted to keep firearms, जिनको weapons रखने की भी permission है without license, ये रख सकते हैं firearms, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा trustworthy होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जा सकता है. The women of Coorg are pretty, they are so pretty. Coorg is also known as Kodavu and the Kodavus. इनको
कुर्ग को कोडावू भी कहा जाता है। दो दे आर हिंदूज बाय रिलीजन, इनको कोडावूज भी कहा जाता है, जबकि ये क्या है, ये हिंदू है रिलीजन से, बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। लेकिन हम जैसे हिंदू जो कि मेन स्ट्रीम में है, मुख्य धारा में है, उनसे इनकी लाइफ या कस्टम्स जो है इनके वो थोड़े से डिफरेंट है। दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी एंड इनकी शादियां जो होती हैं, मैरिजेस जो होती हैं, वो अपनी ही कम्युनिटी में होती हैं, अपने खुद के समुदाय में होती हैं। कुडावूज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, और इनके लिए माना जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, वो या तो ग्रीक थे या वो अरेबिक थे। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर, यहाँ पे कुछ अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे, वो यहाँ पे सेटल हुए, यहाँ पे रहे। ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ कुडावूज कुपया इज सिमिलर टू द अरब गारमेंट कुफिया, इट इज सेड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब और कुड्स। तो जो इनकी ड्रेसेस हैं, एथनिक जो इनका पारंपरिक वेशभूषा है, वो ऐसे लगती है कि वो अरब जो पीपल थे, जैसी वो पहना करते थे वैसी ही ये भी पहनते हैं। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग, और जो रिवर है कावेरी वो कहाँ से निकलती है, कुर्ग से, जो कि कर्नाटका में एक छोटी सी जगह है। सो द फिश नेम्ड महासीर इज फाउंड इन दिस रिवर, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंग फिशर, लंगूर, स्क्वेरल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर, और रिवर के आसपास बहुत ही अच्छा फ्लोरा एंड फौना है, जिसमें किंग फिशर्स, लंगूर, स्क्वेरल्स एंड एलिफेंट्स वी कैन सी। टूरिस्ट रिलैक्स इन द सेरेन एटमोसफियर एंड ऑल्सो इंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग। तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ के सेरेन एटमोसफियर, यू कैन से काम एटमोसफियर को इंजॉय कर सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे वो रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, एंड माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये सारे गेम्स ये यहाँ पे कर सकते हैं। वाइल ट्रैकिंग ऑन द नेचुरल ट्रेल्स एनिमल्स लाइक मैकेक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज। और ट्रैकिंग के टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे हम सिंपली घूमते हुए देख सकते हैं। ट्रेल्स मीन्स रास्ते पे चलते हुए, ओके, हंट बाय अ ट्रैक वी कैन सी ऑल दीज एनिमल्स, कहाँ पे, ट्रीज पे नॉर्मली देख सकते हैं। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर ब्रह्मगिरी हिल्स, एंड जो मेजर जो अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए वो क्या है, पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ एंड निसर्गधाम आइलैंड, ये कहाँ पे, ये निसर्गधाम आइलैंड जो है, एंड बेलकुपी तिब्बतन सेटलमेंट्स, ये सारे टूरिस्ट के मेन अट्रैक्शंस हैं। कुर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर्स, एंड कुर्ग को जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि इंडिया की विभिन्न संस्कृतियाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संस्कृतियाँ हमको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टी फ्रॉम असम। ओके, बाय फ्रॉम नाउ, थैंक यू सो मच।